हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। और इस फार्मूले को न्यूटन ग्रेगरी ने दिया, इसलिए इसको जो नाम दिया गया न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल, ठीक है। इसी तरीके से इन्हीं साइंटिस्ट ने बैकवर्ड इंटरपोलेशन के भी लिए फार्मूला दिया, जिसको यहाँ पे बोला जाता है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला विथ इक्वल इंटरवल। इन्होंने जो फार्मूला डेवलप किया है वो किसके लिए किया है, जब यहाँ पे इंटरवल इक्वल इंटरवल रहेगा तभी आप इस फार्मूले का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफली आइडिया देते हैं आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। और यहाँ पे जो है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है और वहाँ से जो है आपको चीज़ें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन इस पर भी करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब फॉरवर्ड का मतलब क्या है, फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको जो है लास्ट से चलना होगा, बैकवर्ड में लास्ट से चलना है, फॉरवर्ड में स्टार्टिंग से चलना है, ठीक है। फार्मूला एक बार देख लीजिए, एफ ऑफ ए प्लस यू एच, ये स्टार्टिंग का टर्म, यहाँ पे स्टार्टिंग से जब पूछेगा तो आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज कर लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आप जो है इसको किस तरीके से कीजिए, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है, स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू के पहले है, ठीक है, स्टार्टिंग की वैल्यू के नियरर आपसे वैल्यू पूछी जा रही तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज कीजिए, अगर लास्ट की वैल्यू के नियरर आपसे कोई वैल्यू पूछी जाती है तो आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल्टा एफ ए। और यहाँ पे जब फॉरवर्ड के लिए यूज किया जाएगा, फॉरवर्ड के लिए ये ऑपरेटर आपको यूज करना है, ये क्या होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, ठीक है। और बैकवर्ड के लिए आपको नेबला, फॉरवर्ड के लिए जो एरिया का सिंबल होता है वो आप यूज करेंगे और बैकवर्ड के लिए जो नेबला होता है उसका सिंबल आप यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो होता है डेल्टा एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब एक बड़ी वैल्यू में से एक छोटी वैल्यू को हटा जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे डिफरेंस नीचे वाला का किया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में से दूसरे वाले को हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चीज़ों को बाद में समझेंगे, अभी यहाँ पे ब्रीफली आइडिया ये ले लीजिए कि यहाँ पे जो है अगर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज होगा तो यहाँ पे आप एरिया वाले सिंबल का यूज करेंगे, अगर बैकवर्ड नाम दिया जाएगा तो फिर आप जो है इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यूज बैकवर्ड के लिए नहीं करना है, सिर्फ फॉरवर्ड के लिए करना है, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे क्या है, इस बात को बाद में देखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए फिलहाल के लिए जो यहाँ पे सिंबल है ये सिंबल यूज करना है, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू वन अपॉन वन फैक्टोरियल डेल्टा एफ ए प्लस यू टू अपॉन टू फैक्टोरियल डेल टू एफ ए प्लस यू थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ऑफ ए प्लस अप टू सो वन यू एनथ डेरीवेटिव। डेरीवेटिव यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, क्या है एनथ डेरीवेटिव, इसका मतलब जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। इसका मतलब यू की पावर अगर वन लिखा है इसकी वैल्यू यू हो जाएगी, यू की पावर टू लिखा है इसका वैल्यू जो है यू इंटू यू माइनस वन होगी, ठीक है। यू थ्री अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा गया है यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ के चलिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड क्या है, इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले से ही सॉल्व करवा रखा है, चीज़ों को समझा रखी है। आप इसके पहले फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अगर सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपसे
क्वेश्चन में देखिए 1946 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एच की मिल जाएगी इसी टेबल के इन्फॉर्मेशन से, वो वीडियो देख लीजिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फटाफट से आइए चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो कि न्यूटन ग्रेगरी ने दिया था इक्वल इंटरवल के लिए, ठीक है। दो क्वेश्चन हमने सोल्व करवाया है, उसको देख लीजिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आइए डिस्कस करते हैं, ये आ गया न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल, और यहाँ पे क्या है फार्मूला आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए, ठीक है। अब बैकवर्ड स्टार्टिंग में था तब तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ए प्लस एन एच था, अब यहाँ पे लास्ट तक पहुँचना है, लास्ट तक की जो टर्म होगी, मानते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग की ये है और कुछ टर्म के बाद मतलब यू इंटू एच के बाद ये जो मिलता है टोटल इसका जो सम है वो लास्ट टर्म मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म से ही एक्सपेंशन यहाँ पे किया जाएगा, और फॉरवर्ड में स्टार्टिंग टर्म से एक्सपेंशन की जाती है, बैकवर्ड में लास्ट टर्म से जो है एक्सपेंशन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू, यहाँ पे नेबला का यूज किया जाएगा, क्या है यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो नेबला ऑपरेटर का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू, अब वहाँ पे यू इंटू यू माइनस वन चल रहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यू इंटू यू प्लस वन चलेगा, क्या है यू प्लस वन चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे स्टार्टिंग से कम होके चल रहा था, बैकवर्ड है एड होके चलेगा, ठीक है। यू इंटू यू प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल टू एफ ऑफ सॉरी नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और इसको हम बैकवर्ड ऑपरेटर भी बोलेंगे, क्या है इस ऑपरेटर को हम बैकवर्ड ऑपरेटर बोलेंगे और इस ऑपरेटर को हम फॉरवर्ड ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस अप टू सो वन, यू इंटू यू प्लस वन अप टू सो वन, यू प्लस एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल, यहाँ पे जो है बैकवर्ड ऑपरेटर एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच, या फिर आप इसी एफ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यू भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है, अगर यहाँ पे जो है एफ के प्लेस पे आप वाई रखते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, चीज़ें बिल्कुल सही लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चलिए क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ें आपकी कन्फर्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे कहता है द वैल्यू ऑफ एन्यूटीज आर गिवेन फॉर द फॉलोइंग इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एन्यूटी एट द एज ऑफ 28.5। अब यहाँ पे एज दिया गया है, एन्यूटी दी गई है, एज क्या है 25 है, 26 है, 27 है, 28 है और 29 है, ठीक है। और उसकी करेस्पॉन्डिंग एन्यूटी दी गई है 16.2, 15.9, 15.6, 15.3 और 15, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म फार्मूले से क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, मतलब यहाँ पे जो लास्ट टर्म का नंबर है वो क्या है ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ठीक है। और ये क्या है जो यहाँ पे निकालना है, सॉरी लास्ट टर्म एक क्या होता है ए प्लस एन एच होता है, और टोटल क्या होता है ए प्लस एन एच प्लस यू एच, ठीक है, टोटल। और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो आपको फाइंड आउट करना है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28.5। अब यहाँ पे a प्लस एन एच जो कि लास्ट का है, लास्ट में क्या है इसकी वैल्यू 29 है। अब इनके बीच एज का डिफरेंस इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे हम इंटरवल एन्यूटी से इंटरवल नहीं निकालेंगे, निकालेंगे जो इंटरवल हम एज से निकालेंगे, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर सेम डिफरेंस होगा इक्वल इंटरवल उसे बोलेंगे, और तब हम इस फार्मूले का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 25 होता, 26 होता, फिर 29 होता, फिर 27 होता, तो ऐसा आप नहीं कर पाते, इस फार्मूले का यूज कतई नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा तो आप इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, आगे होगा नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसके तहत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 25 में 1 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा, 26 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 27 आता है, फिर 27 में अगर 1 ऐड करते हैं 28 आता है, फिर 28 में अगर 1 ऐड करते 29 आ जाता है, मतलब यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ रही है, h की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें a प्लस एन एच आपको पता चल गया है, h पता चल गया है, तो यहाँ से आप u की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो वैल्यू इस इक्वेशन में उठा के रखिए, रखने पे आपको u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का हाफ मिल जाएगी, दैट मीन्स माइनस 0.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी
ए की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट ही नहीं करना है, लास्ट की वैल्यू आपको पता चलनी चाहिए, जो आपको निकालना है वो पता चलना चाहिए, इंटरवल पता चलना चाहिए, और यहाँ पे जो टेबल ड्रा होगा वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने टेबल ड्रा कर लिया दैट मीन्स क्वेश्चन को आपने 50% सोल्व कर लिया। क्या है, अगर आपने टेबल को इजी वे में ड्रा कर लिया है तो आपने क्वेश्चन को 50% बिना कहे सोल्व कर लिया, फिनिश हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन डाटा था उससे हमने टेबल बनाया, एज यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे एन्यूटी लिखा है, इसको हमने एफ ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एज क्या था 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग दी थी, जो दी है वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, 25 में 16.2 है, 26 एज में 15.9 है, और 27 में 15.6 है, 28 में 15.3 है, और 29 जब एज होती है तो उस केस में जो इसकी एन्यूटी है वो 15 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है पॉइंट पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट को हटाने के लिए अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। क्या है, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, और यही चीज़ें यहाँ पे की भी गई है। क्या है, यही चीज़ें यहाँ पे की भी गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इंटू एफ ऑफ एक्स, क्या है, 10 इंटू एफ ऑफ एक्स कर देंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स 162 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 159 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 156 हो जाएगा, और यहाँ से अगर पॉइंट को रिमूव कर दें क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिमूव ही होगा। ठीक है, तो 153 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए, क्योंकि पॉइंट के अंदर हमारी उतनी हैबिट नहीं होती है, और हमारी जो इस तरीके से हैबिट है डिजिट में, तो यहाँ पे जो है इंटीजर के अंदर हैबिट है, पॉइंट में हमारी डेसिमल में डिजिट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके चीज़ों को रख दिया है। अगर 10 से मल्टीप्लाई है जो फार्मूला होगा वहाँ पे भी 10 से कर देंगे बोथ साइड तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर करते हैं नेबला एफ ऑफ एक्स का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 159 माइनस 162, दैट मीन्स वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 156 माइनस 159 वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 153 माइनस 156 वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 150 माइनस 153 वैल्यू फिर से नेगेटिव आ जाएगी। अब फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्या है, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, सिमिलरली यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इनका डिफरेंस फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है जब आप न्यूटन गिरगिटी फार्मूला बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल नेबला एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1। क्या है, फॉरवर्ड में आप u इंटू यू माइनस 1 यूज करेंगे, बैकवर्ड में आप u इंटू यू प्लस 1 यूज करेंगे। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में नेगेटिव करना है, बैकवर्ड में पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रख लीजिए। ठीक है, नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 फिर अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, नेबला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ 28.5 इज इक्वल टू ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 29 लास्ट का। ठीक है, और यू की वैल्यू आपको माइनस का हाफ मिली थी जो कि हमने यहाँ पे रखा है एफ ऑफ डेल्टा, तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे नेबला यूज होगा। ठीक है, नेबला एफ ऑफ 29 प्लस 0 माइनस 0.5, और यहाँ पे फिर से इसमें 1 ऐड करेंगे तो ताकि यहाँ पे सेकेंड टर्म मिल जाए, और यहाँ पे नेबला स्क्वायर एफ ऑफ 29 प्लस यहाँ पे यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपको बैकवर्ड ऑपरेटर क्यूब है एफ ऑफ 29। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे नेबला का टर्म मिलेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से हम बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो है इसकी वैल्यू 10 इंटू एफ ऑफ 29, फिर यहाँ पे 10 इंटू नेबला एफ ऑफ 29, 10 इंटू नेबला स्क्वायर एफ 29 इस तरीके से निकाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और हमारा आंसर भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150
वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10, और एफ ऑफ 29 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 150। क्या है 150 प्लस यहाँ पे जो है माइनस का हाफ है, और इसकी वैल्यू टोटल की कितनी है, इस टोटल की वैल्यू आपको माइनस का 3 मिल रही है। क्या है माइनस का 3 मिल रही है, जो कि हमने यहाँ पे रख दिया है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 3 15 दैट मीन्स 1.5 आ जाएगा, और 150 में जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 151.5 हो जाएगा। और जब हम एफ ऑफ 28.5 की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब इस टेन से इसको डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। सो हमने 151.5 डिवाइडेड बाई 10 किया है, और इसकी जो वैल्यू है 15.15 आ रही है। इसका मतलब यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम फिर से फार्मूला रिवाइज करवा देते हैं। फार्मूला क्या है देखिए, यहाँ पे जब फॉरवर्ड के लिए क्या है, फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एन एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल्टा एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल टू एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 u-2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा u-1 u-2 u-3/4 फैक्टोरियल डेल 4 एफ ए, ठीक है, प्लस अप टू सो वन। इस तरीके से आप चीज़ों को चलाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं बैकवर्ड के लिए क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें बैकवर्ड के लिए क्या होगा, बैकवर्ड के लिए होगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ये वाला चलेगा, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग पहले वाला, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन हो रहा है बैकवर्ड में। यहाँ पे इन दो के तहत जो है एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे ऑपरेटर बैकवर्ड का चलेगा, इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू, यहाँ पे नेगेटिव चल रहा था यहाँ पे पॉजिटिव चलेगा, u प्लस 1/1 फैक्टोरियल नहीं होगा 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो यहाँ पे हो चुका है 0.2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे जो है नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जो है u प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ ऑफ ए प्लस एन एच हो जाएगा, प्लस अप टू सो वन। इस तरीके से आपकी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है a प्लस एन एच के लिए आपका ये फार्मूला यूज होगा, और यहाँ पे जो है सिर्फ a प्लस एन एच का काम है, यहाँ पे लास्ट तक आप चलिए, टोटल सबको जोड़ के लास्ट से पहले की तरफ आइए। क्या है, नीचे वाले बैकवर्ड में लास्ट से पहले की तरफ आना होता है, फॉरवर्ड में स्टार्टिंग से लास्ट की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब, इसके अंदर चीज़ें ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो है U के अंदर नेगेटिव चलेगा, यहाँ पे बैकवर्ड में क्या करना है, सॉरी, बैकवर्ड में यहाँ पे प्लस साइन चलाना है। क्या है, यहाँ पे प्लस साइन चलाना है, यहाँ पे माइनस चलाना है, यहाँ पे ए प्लस एन एच से पहले टर्म का एक्सपेंशन के तहत करना है, इसके अंदर लास्ट वाले के तहत एक्सपेंशन आपको करना है, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी थी, ये चीज़ें आपकी कन्फर्म हो चुकी होंगी आई होप। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, बैकवर्ड के लिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे सिंबल का डिफरेंस होता है। क्या है, यहाँ पे सिंबल का डिफरेंस होता है और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पे अगर आपने टेबल को ड्रा कर लिया, टेबल ड्रा आपने कर लिया, तो फिर यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे जो है अगर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए जो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसको अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जो है इस चीज़ को बताया है कि यहाँ पे इसकी जो वीडियो है वो आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगी, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख लीजिए, चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएगी। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस यहां पे फार्मूले का अंतर है, ओके। तो यहां पे जो है इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला दोनों का किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, कैसे यूज होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये सब चीज़ें हमने आपके आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, ओके।
आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।